आ चुके हम लोग मॉनेस्ट्री, कुछ इस तरह से बना रखी है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज डे 6 है हमारा स्पीति वैली सीरीज का, और अभी हम लोग हैं टाबो में। और टाबो में भाई सबसे सेकंड ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री है मेरे पीछे है, यहाँ पे ये मार्केट है उसके पीछे, मतलब मॉनेस्ट्री है। और अभी हम लोग जाएंगे मॉनेस्ट्री देखने, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके फिर हम यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। और बाकी फर्स्ट मॉनेस्ट्री तो सबसे ओल्डेस्ट जो थी डांकर में थी, और अभी सेकंड ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री टाबो में। हम लोग निकल गए हैं मॉनेस्ट्री के लिए मार्केट में। और भाई देखो, रात में तो दिख नहीं रहा होगा आपको ज़्यादा अच्छे से, दिन में देखो भाई ये सारे एप्पल ही एप्पल लगे हुए हैं भाई, देखो मतलब यहाँ पे ना ऑलमोस्ट सब एप्पल के ही बगीचे हैं। तो ये आ चुके हम लोग मॉनेस्ट्री, कुछ इस तरह से बना रखी हो। यहाँ के साहब कुछ ज़्यादा ब्लैक नहीं है इस वाले पेड़ के, ब्लैक ये देखो ना इस वाले के, बहुत डार्क रेड से है ना, इनको ज़्यादा धूप लग गई ना। तो भाई ये मॉनेस्ट्री कुछ ज़्यादा लाल नहीं है। अभी हम लोग चलते हैं अंदर मॉनेस्ट्री के देखने। ये न्यू मॉनेस्ट्री है एंड दिस वन ओल्ड मॉनेस्ट्री। तो अभी हमें जाना है ओल्ड मॉनेस्ट्री में, क्योंकि अभी वो क्लीन हो रही है। अभी हम जा रहे हैं ओल्ड मॉनेस्ट्री, क्योंकि न्यू वाली में ना अभी साफ सफाई चल रही है। तो उन्होंने बोला पहले ओल्ड घूम लो फिर देख लेंगे। साफ करके So photography is not allowed, but कोई नहीं, हम मैसेज चले जाएंगे अंदर बिना फोटोग्राफी की। बट अभी यहाँ बार बार का दिखा देता हूँ, ये शॉप है कुछ ऐसा खाली, मतलब ग्राउंड सा, मतलब खाली जगह है ये बैठने वगैरह के लिए। नीचे पता है ये वो है वुडन, हाँ ये वुडन है। तो मॉनेस्ट्री हमने देख ली, और भाई ये ना मॉनेस्ट्री 1028 साल पुरानी है ये मंदिर पूरा, जो मॉनेस्ट्री है पूरा, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब लिखा हुआ है हिस्ट्री में इतना। बाकी कहते हैं कि ये पुरानी है, और डंकर वाले बोलते हैं कि वो पुरानी है, बट कोई भी पुरानी, बट मुझे लगता है कि ज़्यादातर शायद यही पुरानी है जिस हिसाब से देखा है गया है। बाकी अच्छी बनी थी बहुत, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी इसे नहीं कर पाए, कह रहे परमिशन लेके आनी पड़ेगी मोदी जी से। तो मैंने बोला मोदी जी तो अभी बाहर दौरे पे गए हुए, तो हम आ नहीं पाएंगे लेके, अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो ये देख सकते हो ताबो के अंदर ताबो की तरह कुछ बना हुआ है, और बाकी ये देख रहे हो भाई मतलब किस तरह से बनाया हुआ है मिट्टी से पूरा, बाकी पूरा ये मतलब मिट्टी से बना हुआ है। चलते हैं हम लोग, ब्रेकफास्ट भी करना है और निकलना भी है यहाँ से। हम लोग आ चुके हैं अभी ब्रेकफास्ट करने, और अभी पराठे और मैगी का ऑर्डर दे दिया है एंड चाय। तो ये आ चुकी है अपनी मैगी एंड ये पराठा। तो ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं अपने रूम पर, और अभी ये खड़ी अपनी बाइक, भाई बाइक के ना नंबर प्लेट निकल गई है, बट कोई नहीं चलो। तो अभी हम चलते हैं बैग वगैरह लेके आते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। चलो निकलते हैं यहाँ से, 11 बज गए, टाइम वही हो गया। हर हर महादेव, जय श्री काल का माँ, जय बजरंगबली, जय श्री राम। भाई सुबह कितनी जल्दी उठा, वही टाइम लगा जाता है, वही टाइम लग जाता है, कोई फ़ायदा नहीं सुबह जल्दी उठ के। चलो ऑल सेट है, हम यहाँ से जाएंगे गुई में मम्मी है, वो भी बहुत पुरानी, यानी 1000 साल पुरानी है शायद, वहीं देख के पता लगेगा। और अभी डलवानी है पहले हवा, पंचर वगैरह चेक कराना है, कल रात में दुकान बंद थी। चलो भाई तो एक बार भैया से पंचर वगैरह दिखवा लेते हैं। भैया हवा डाल देना। चलो भाई तो पंचर नहीं निकला, चेक करा लिया, हवा वगैरह सब ओके है। चलो भाई चलो निकलते हैं यहाँ से यार, सड़क
भाई कितनी भी जल्दी कर लो टाइम वही हो जाता है। तो 84 किलोमीटर, शिमला 366, रामपुर 239। ये देख रहे भाई एप्पल, ये एप्पल के बगीचे हैं सारे यहाँ पे, सेब ही सेब है, ये सब सेब है, सेब पूरा एप्पल है। ये देखो दिख रहे होंगे भाई क्या ही मस्त, कितने सारे भाई पेड़ ही पेड़ है एप्पल के, यहाँ पे एप्पल ही होता है ना। खाने का बहुत मन कर रहा था पर यार तोड़ने नहीं दिए, कोई कुछ बोल देता इसलिए भाई तोड़े नहीं। अभी चलते हैं, ये देख लो रोड बिल्कुल सीधी है, कितनी प्यारी लग रही है भाई, ऐसे सीधा रोड मस्त है एकदम। ये देखो किस माउंटेन की कटिंग देखो भाई, किस क्या ही तगड़ा लग रहा है भाई, किस हिसाब से इसकी कटिंग करके रोड निकाला गया है ना, बहुत खतरनाक भाई। तो बहुत ही अच्छा भी लग रहा है, पर डेंजर भी लग रहा है और अच्छा भी है देखने में, एकदम डेंजर पर लिया है रास्ता है तो फिर भाई मस्त है, ऐसा है वेरी डेंजरस भाई, बहुत डर लग रहा है भाई ऐसे रोडों पर बाइक चलाना, पर यह फिर एडवेंचर लेना है तो आना पड़ेगा रे बाबा। अगर सब कुछ देखना है ऐसी ज़िंदगी तो भाई आना पड़ेगा रे स्पीति वैली। अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है ये देखना पड़ेगा भाई, गुई विलेज। भाई गुई विलेज यही है ना, तो यही है गुई विलेज और ये रास्ता कहीं और जाता है, गुई जाना है गुई। थैंक यू सर। चलो जी तो गुई विलेज का रास्ता, यार ये भी ऐसी है छोटा सा खतरनाक वाला रास्ता, तो ऑलमोस्ट पूरी स्पीति वैली किन्नौर वैली खतरनाक ही है, इससे भी ज़्यादा एक और ख़तरनाक रास्ता आएगा अभी, वो मैं नाम भूल गया उसका, नाम याद नहीं आ रहा, कनप था पता नहीं क्या था, कनप आई थिंक शायद, चेक करना पड़ेगा मैप पे मुझे फिर बताऊँगा आपको, वो और ख़तरनाक रास्ता है भाई, बहुत डेंजरस रास्ता है। तो हम लोग आ चुके हैं और वो है ना जो दिख रहा है वो चोटी पे माउंटेन पर, शायद वही है, वहीं पर हैं आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। मेरे को तो वही लगता है वही है, वैसे हम आ गए हैं मुई विलेज। वेलकम मम्मी रोड, अचानक ही आ गया है मैं, अभी हॉर्न नहीं बजा पाया मैं, उस जीड़ पड़ रहा था मतलब। तो आ चुके हैं, पर्ची वर्ची का सीन है, कितने लोग हैं? तीन, तुम्हें साथ में काट दूं, 90 रुपए दीजिए। अभी आ रहा है वो देगा पीछे, ये दे देगा 90 रुपए, दे देना 90। चलो जी तो 30 रुपए पर पर्सन है, यहाँ लगाते हैं भाई अपनी बाइक। तो हम लोग आ चुके हैं गुई विलेज और यहाँ पे मोनेस्ट्री भी है और मम्मी भी है जो है, तो ये तो है मोनेस्ट्री, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा आपको, और ये है इस यहाँ पे मम्मी। चलते हैं अभी देखते हैं, तो ये है फाइनली मम्मी आ चुके हैं,
सबसे पुरानी मम्मी। सच में यार अच्छे पैर है। देख लो इनके मतलब हेयर पे, सॉरी सर पर भी हेयर भी है एंड दांत वगैरह सब ठीक है, दांत वगैरह सब ठीक है अभी भी। अब हम लोग जा रहे हैं मोनेस्ट्री ऊपर। तो ये है स्टैचू और ये सब कुछ बुक्स वगैरह रखे हैं। अब हम इसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं और क्या है। तो ऊपर तो कुछ नहीं है, पूरा बंद पड़ा है। देख रहा व्यू देखो भाई, ऊपर से कुछ ऐसा व्यू आता है। ये पूरा विलेज है और ये माउंटेन का व्यू। पकड़ी अपनी बाइक, बाकी चलते हैं अभी नीचे, हवा लग रही है बहुत तेज। चलो तो अभी बज गए हैं 1:30 और हम यहाँ से निकल चुके हैं। ये 400-500 साल पुरानी है बस, और कहीं लिखा भी नहीं था, मेंशन भी नहीं था कि वर्ल्ड की या फिर कुछ भी। बाकी यहाँ के लोगों को भी नहीं पता रहता ज़्यादातर कि क्या है क्या नहीं। बाकी चलो चलते हैं। अब हमें जाना है नाको, नाको पे देखते हैं, अगर टाइम हुआ तो आगे जाएंगे उसके बाद वरना वहीं से लेंगे। बट अभी 34 किलोमीटर चल चुकी है हमारी बाइक टाबो से, एंड अब नाको अराउंड मेरे हिसाब से 38 किलोमीटर है, बाकी देखते हैं। हमें जाना है अभी पूरा नीचे, फिर अभी ऊपर है तो नीचे जा रहे हैं फिर से, उसके बाद जाएंगे लेफ्ट नाको गुई विलेज ओवर, एंड हमें जाना है नाको तो उसके लिए लेंगे लेफ्ट। तो ये है नाको के लिए, और यहाँ से तो हम आए थे टाबो से। तो अभी हम किन्नौर वैली में एंटर कर रहे हैं। तो ये ख़त्म हो गया स्पीति वैली, अब यहाँ पे किन्नौर वैली स्टार्ट हो चुका है। और ये देखते हो पानी भाई कितना तेज़ फ्लो कर रहा है ना, बहुत तेज है भाई। गुई, तो अब हमें चलना है नाको। रास्ते देखो भाई, यहाँ के रास्ते देखो, ये देख रहे हो क्या ही सुंदर नज़ारे। चलो नाको विलेज में आपका स्वागत है, वेलकम टू नाको विलेज। एंड ये है नाको विलेज। लेक आ गया, थैंक यू भैया। चलो भाई, दीपक कह रहा वो रही लेक। लोग आ चुके हैं लेक पर और अभी चलते हैं लेक के पास, चलते हैं लेक के पास नीचे लेक। ये है रास्ता, तो सबसे आगे हमारा भाई पहाड़ी अरविंद, क्योंकि चैलेंजेस से लड़ने की आदत इनको हो चुकी है। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं लेक भाई, आराम से भाई पहाड़ी अरविंद। तो भाई तुम्हें कंटेंट भी तो देना। तो ये है लेक, जाने और मोबाइल।
तो ये है लेक, यहाँ पे खाने पीने के लिए भी आपको मिल जाएगा। ये स्टॉल वगैरह लगी हुई है ये रही सामने, एंड बट बाकी कुछ है नहीं यार लेक में देखने के लिए, कुछ खास भी नहीं है। बाकी अब निकल रहे हैं हम लोग कहाँ के लिए, पू के लिए, आगे के लिए देखते हैं। बाकी जहाँ तक मतलब कोशिश रहेगी पू हम कर दे, क्योंकि 40 किलोमीटर है वैसे तो, हो सकता है क्योंकि बहुत टाइम है, अभी 3 ही बजे है, क्योंकि आज हमारे मनचाह रोड मिल गई है ना हमें। हाँ वैसे तो हम कर देंगे 200 किलोमीटर भी अभी 2 घंटे में, पर भाई का थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया है भाई, आराम आराम से चलना चाहिए। नहीं भाई की बाइक तो चल रही है पर ये नहीं चला पा रहे हैं, नहीं चला नहीं पा रहे हैं, मैं नहीं चल पा, नहीं ये पता जैसे रेस देते ना रेस, तो उनका हाथ घूम ही नहीं रहा, वो दीपक को मजबूरन घुमाना पड़ रहा है। तो अभी चल रहे हैं हम लोग, फटाफट निकलते हैं जल्दी से। चलो जी, तो लेक को देख के निकलते हैं यहाँ से, ये है लेक। एंड अभी ना 3:15 हुए, कुछ नहीं था लेक में यहाँ देखने आया, बिल्कुल बेकार, इसलिए हम फटाफट आ गए देख के, थोड़ी सी वीडियो बना ली बस, क्योंकि आज ना मैं जितना कोशिश करेंगे जितना जितना मैक्सिमम कवर हो जाए ना उतना बढ़िया है हमारे लिए। तो अब हमें जाना है आगे बढ़ते हुए काब नाम की एक जगह है, तो वहाँ पे ना ब्रिज है वो है सिर्फ, तो वो ब्रिज देखते हुए निकलेंगे हम सीधा और आगे, उसके बाद फिर पवारी है, पवारी हमारा शायद देखो अगर हो जाए, वैसे तो मुश्किल है क्योंकि 120 किलोमीटर होगा टोटल, बाकी देखते हैं, वैसे 120 होना नहीं चाहिए यार, तो नहीं 120, तो पवारी हमारा स्टे पॉइंट सोचा है हमने, बाकी देखते हैं कितना कवर हो जाए। रास्ता देख रहे हो भाई ये कितना खतरनाक, मस्त ओ भाई क्या ही लग रहा है, चलते हैं थोड़ा और पास। इन्हीं रास्ते के लिए तो वेट कर रहा था यार मैं 4 दिन से, देख रहा कब आएंगे ऐसे रास्ते भाई, बढ़िया बढ़िया वाले यही रास्ते, तो देख रहे हो माय गॉड, देख रहे हो क्या बात है भाई, किस हिसाब से पत्थर काटे गए हैं देख रहे हो। अच्छा यही है काब ब्रिज, तो दिस इज़ अ काब ब्रिज, ये है काब ब्रिज, लिखा हुआ था यार काब ब्रिज, यही होगा फिर तो। फ्यूल पंप डलवा लेते हैं भाई, फ्यूल फुल कर दो भैया, कितना लीटर आएगा, काजा में डलवाया था 4 लीटर आ गया, बहुत है। चलो जी फ्यूल डलवा लिया, टोटल दोनों बाइक में आया है 918 रुपये का। चलो जी कहाँ है रेस्टोरेंट, कुछ है खाने के लिए नहीं, कैफे ब्रो, अबे ये कौन सा कैफे है, बंद पड़ा है। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं खाना खाने के लिए, और अभी हमने ऑर्डर कर दिया है राजमा चावल, इसके लिए कढ़ी चावल, ये कढ़ी खाए कढ़ी चावल खाएगा, और ये अरविंद भाई के लिए राजमा चावल, दीपक भाई को कढ़ी चावल ज़्यादा पसंद है, तो चलो और 3-4 ऑर्डर करिए बाद में वो पियेंगे, पहले एक खाता खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। 5 बज गए भाई अभी, और ऑलमोस्ट हमारा टोटल अभी तक हमने चला दिया है 130 किलोमीटर अराउंड, या फिर 120 किलोमीटर अराउंड चला दिया हमने, 120 किलोमीटर चला दिया हमने भाई आज। चलो भाई तो खाना वाना खा के निकल गए अब, और टाइम हो गया है 5:30, और इसी के साथ हमारे 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं, और ट्रिप 0 हो गई है ऑटोमेटिक मतलब 1000 के बाद, तो अब यहाँ से कंटिन्यू बढ़ेगा अपने आप, इस साइड के 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। पवारी अराउंड 55 किलोमीटर है अभी, सुबह से हमने 120 किलोमीटर चला दी बाइक अपनी,
तो देख रहे हो भाई ये सामने बिल्कुल ही खतरनाक है। मैं वहाँ से आ रहा था भी मोड़ से, मुझे लगा सामने रास्ता ही नहीं है, तो ये इधर बिल्कुल ही मोड़ एकदम से खतरनाक वाला मोड़ है भाई ये। तो पता है अभी हम ना 21 किलोमीटर मतलब चल चुके हैं कंटिन्यू, पर ये ऐसा ही चल रहा है बिल्कुल, मतलब ये माउंटेन वाला जो सीन है ना ऊपर, ये ऐसा ही चल रहा है 21 किलोमीटर तक, अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ बिल्कुल भी ये वाला रोड। तानी कितना लंबा है। जय श्री राम। तो अभी 15 किलोमीटर रह गया है पवारी, और ये देख रहे हो भाई पहाड़ के अंदर, मतलब पहाड़ के ऊपर कोई गांव है, देखो कितना मस्त लग रहा है, ग्रीन ही ग्रीन पूरा, और मतलब पहला देखा है मैंने अभी पूरे, वरना सारे ऐसे ही थे, मतलब जहाँ पेड़ वेड़ थे नहीं ऐसी घर वर बना रखे थे सूखे पे। देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है, और यार अंधेरा भी हो गया है, अंधेरा हो गया है रे बाबा। यार रात में तो ये रास्ते और ख़तरनाक लगते हैं, देखना थोड़ा सा अंधेरा हुआ है भी, इतना डरावने रास्ते लग रहे हैं। जिस बंदे की बाइक में अगर लाइट वगैरह ख़राब हो जाए वो बंदा तो बस कहीं का नहीं रहेगा बेचारा। देख लो कैसे कैसे पहाड़ में तो काट के इन लोगों ने मतलब खतरनाक रास्ते बनाए भाई। रिकॉन्ग पियो आ चुके हैं हम लोग, भाई मार्केट तो बहुत अच्छी है यार, यहाँ पे देखते हैं भाई रूम वगैरह कहाँ मिलेगा। रूम ले लिया है, और रूम भाई इस तरह का है कुछ, मतलब ठीक है वैसे रूम बढ़िया, और ये आते ही सारा सामान इधर फेंक दिया इन लोगों ने भाई, आते गंद मचा देते हैं, ये दीपक तो पूरा ही गंद मचा देता है। चलो अभी ना मार्केट बहुत अच्छी है, देखो मार्केट यहीं से बालकनी से, देख लो ये है पूरी मार्केट, पूरी बहुत बड़ी मार्केट है, और मैं आपको बताऊँगा यार बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत अच्छी मार्केट है, मनाली के बाद शायद ये दूसरी मार्केट है ये, बहुत बड़ी हमने देखी है जो अभी तो पूरे रूट पर। बाकी चलो अभी चलेंगे थोड़ा रेस्ट करते हैं, मुँह धुल के कुछ खाने वाने चलेंगे मार्केट में। तो मैं आ चुका हूँ मार्केट में, अभी आज महात्मा गांधी जयंती है तो इसलिए मार्केट सारी क्लोज हो रही है, अभी से ही 8:30 होंगे अभी सब क्लोज हो चुकी है, कुछ शॉप खुली हुई है बस मैं देखो गोल्ड जिम का लोगो मतलब कॉपी। चलो अभी देखो भाई सही है, सब क्लोज हो चुका है, बाकी ये देखते हैं कुछ खाने पीने में मिल जाए। तो हम लोग आ चुके हैं अभी रेस्टोरेंट में, और ऑर्डर दे दिया है एक प्लेन थाली, एक प्लेट मोमो और एक स्प्रिंग रोल। सो थाली आ चुकी है अपनी, दाल है, पालक पनीर, रायता, सैलेड एंड चावल, तो खाते हैं जल्दी से। आ चुके हैं अपने मोमोज एंड स्प्रिंग रोल, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं भाई, खा के बता लगाएंगे कैसे हैं। खाना खा लिया है एंड भाई ले रहा है, टेस्ट एक नंबर था भाई, खाने में भी और मोमोज में रोल में सब एक नंबर था, मज़ा आ गया, और पालक पनीर मज़ा आ गया, सब ओके था भाई। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पर भाई, सब यहाँ पे क्लोज हो चुका है, अब चलते हैं अपने रूम पर फटाफट से। तो रूम पर हम लोग आ चुके हैं, और अब भाई टाइम हो गया सोने का, और बहुत थक भी गया आज ना, मतलब 190 किलोमीटर बाइक चला दी हमने आज थोड़ी ज़्यादा खींच दी, क्योंकि रोड भी इतना बढ़िया था ना, कोई दिक्कत भी नहीं हुई इसलिए। तो चलो भाई आज के ब्लॉग को यही रखते हैं, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज ब्लॉग को कर देना लाइक, चैनल पे जो भी नहीं चैनल कर दो सब्सक्राइब, तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में, चलो टाटा बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।